रहीम, वेलकम टू माय चैनल बच्चों रेसिपीज़ में। आज मैं बना रही हूँ पिज़्ज़ा फ्राइड पॉम्स। बहुत मज़ेदार बनते हैं, जिसके लिए मैंने ये चिकन बनाने रख दी है। टिक्का में मसाले लगाया है मैंने इसके अंदर, नमक, मिर्च, हल्दी, सिरका और कुटी हुई मिर्चें डाल के थोड़े से ऑयल में मैंने ये रख दिया है। अब ये तैयार होंगी तो फिर मैं इसको पेशा करूंगी और आगे दिखाऊंगी। ये देखें, टिक्का बिल्कुल रेडी हो चुका है। जबरदस्त सा टिक्का रेडी है। पिज्जा फ्राइड पॉम्स के डो के लिए हमने 2 कप मैदा लिया है। इसको मैं छान लूंगी। ईस्ट लूंगी 1 टेबल स्पून, शुगर 2 टीस्पून, बेकिंग पाउडर 1/4 टीस्पून, ऑयल 4 टेबल स्पून और मैं इसको पानी से गूंदूंगी, ना सख्त ना नरम, जैसे कि पराठे का आटा होता है इस तरीके से। यह आटा गूंद गया है, मैंने हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लगाया है। अब मैं इसको चिकना करके और डबल होने के लिए रख देती हूँ। फ्राइड चिकन बॉम्स का मसाला हमने तैयार कर लिया है। ये सारा डो हमने डबल करने के लिए रखी थी। अब ये सारा मसाला है जो चिकन हमने बनाई थी, उसको इस तरीके से मैंने छुरी से काट लिया है। टमाटर बारीक काट लिया, 1 शिमला मिर्च काट ली, 1 मीडियम प्याज काट ली है और ये मोज़रेला और चेडर चीज़ है, इसको भी मैं इस तरीके से कर लूँगी। अब इन सब चीज़ों को मिलाकर एक बाउल में डालकर और मैं इस पर थोड़ा सा कुटी हुई मिर्चें, नमक और जो है केचप और मेयोनीज डालूंगी थोड़ा थोड़ा सा। डो भी हमारा हो गया है। अब हम इसको थोड़ा सा पंच करेंगे ताकि जो है वो इसमें से हवा निकल जाए। मैंने डो के 2 पेड़े बना लिए हैं। अब मैं इसको इस तरीके से बराबर के हिस्सों में तकसीम कर दूंगी। सारे पेड़े बनाने के बाद एक पेड़ा लें, इसको चपटा करके इस तरीके से करके हाथ में रख लें। फिर जो हमने मसाला तैयार किया था वो हम इसके अंदर फिल कर रहे हैं। और इसको इस तरीके से पकड़ते हुए बंद कर देंगे। देखें, हमने सारे बॉम्ब तैयार कर लिए हैं। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। ये तेल गरम हो गया है, हम इसमें बॉम्ब डाल रहे हैं। पहले वो साइड डालें जो आपने फोल्ड करके बंद किया है, ऊपर वाला साइड हम बाद में करेंगे। कढ़ाई में जितनी जगह हो या आप कोई पैन में कर रहे हैं उस हिसाब से आप अपने बॉम्ब डाल दें, 2, 3, 4 जितने आए। जब ये एक तरफ से ब्राउन हो जाएंगे तो हम इनको पलटेंगे। तो अब ये हो रहे हैं,
मीडियम हाई आप रखिएगा फ्लेम को, बहुत लो भी ना हो बहुत हाई भी ना हो। देखें ये फूल चुके हैं थोड़े थोड़े अपने साइज से, देखें नीचे से हुए कि नहीं। नहीं अभी नीचे से नहीं हुए हैं, थोड़े और होंगे। ये अब एक तरफ से हो गए हैं, उनका साइड चेंज कर रहे हैं, ये देखें। दूसरी तरफ से भी कलर आ जाए तो बस इनको निकाल लेंगे। कलर आ गया इन पे, अब मैं इनको निकाल रही हूँ, ये देखें। ये देखें हमारे फ्राइड बॉम्ब्स बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, बहुत मज़ेदार बने हैं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।